हाल ही में एक खबर आई थी जो शायद आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो स्क्रीन में देखिए, यही वो खबर थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और इसी खबर से संबंधित आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि खबर में बताया गया है कि म्यांमार में करीब 900 आतंकी, जिन्हें म्यांमार में रेंजर्स भी कहते हैं, वो मणिपुर में दाखिल हो गए हैं और मणिपुर की जो विद्रोही दल है उनके साथ मिलकर कुछ बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि म्यांमार से बहुत से रेंजर्स भारी मात्रा में हथियार लेकर भारत में दाखिल हो रहे और इनके पास जो भी वेपन्स है वे सारे मेड इन चाइना है, यानी चीन ही ने सारे वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। भारत के खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये सारे रेंजर्स 30-30 के गुट में राज्य भर में फैलना चाहते ताकि मणिपुर के हर एक गांव को निशाने पे लिया जा सके। अब इसी बीच असम राइफल्स जो कि मणिपुर में डिप्लॉयड है उसने कुछ म्यांमार के रेंजर्स को पकड़े। खबर के मुताबिक असम राइफल्स के जवानों ने भारत म्यांमार सीमा पर तकरीबन 15 म्यांमारी रेंजर्स को पकड़े है जो भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे रेंजर्स रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और इन्हें बॉर्डर क्रॉस कराने में मणिपुर के ही कुछ विरोधी दल यानी मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मदद कर रही थी। आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसे भड़काने में इस दल का विशेष योगदान रहा था और अब तो ये एक कदम आगे जाकर म्यांमार के रेंजर्स को भी भारत में दाखिल करवा रही है। अब असम राइफल्स ने जिन म्यांमारी रेंजर्स को पकड़े जो भारत में हमले करने के मकसद से प्रवेश कर रहे थे तो इनकी पार्टी जिसका नाम है अराकान आर्मी, जिसे डबल ए भी कहते हैं, उसके लीडर ने भारत को लेकर धमकी जारी कर दी है कि भारतीय सेना हमारे रेंजर्स को जल्द रिहा करे। भारत के सुरक्षा बलों ने हमारे जिन नागरिकों को पकड़ा है वे सिर्फ रोजी रोटी के लिए भारत में प्रवेश कर गए थे, उन्हें ऐसे आतंकवादी बनाकर बंदी ना बनाया जाए, ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को शोभा भी नहीं देता। भारत म्यांमार के संबंध काफी अच्छे हैं, उन्हें ऐसे खराब मत करो। अब आप ही बताइए दोस्तों कि कौन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बॉर्डर क्रॉस करता है, वो भी वेपन्स लेकर। अगर इन्हें रोजी रोटी ही कमाने के लिए भारत आना था तो ये दिन के उजाले में भी आ सकते थे। भारत ने कब मजदूरों को रोका है? इतने सारे विदेशी लोग तो भारत आते हैं, इन्हें भी आने देते, पर मेड इन चाइना राइफल्स लेके ये कौन से भारत में मजदूरी करने वाले थे, आप ही बताइए। फिलहाल असम राष्ट्रीय राइफल्स ने इन सब पर इंक्वायरी बिठा दी है और अगर इंक्वायरी में इनके मंसूबे गलत निकले तो इनकी खैर नहीं, फिर चाहे वहां म्यांमार की डबल ए पार्टी कितनी भी चिल्लाए भारतीय सेना इन्हें नहीं छोड़ेगी और मेरे हिसाब से इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।